वेलकम टू आरती क्रिएशन। आवाज़ थोड़ा सर्दी की वजह से ख़राब ही है अभी। एनीवेज, सो हमने उस दिन गणेशा का लीफ बना लिया था। ये देखिए, ये लीफ बना लिया था और मैंने इसमें होल किया है, एक नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ, ठीक है। फॉर दिस इज़ फॉर द हैंगिंग पर्पज़ ओनली। अगर आपको हैंगिंग नहीं बनाना है तो ज़रूरी नहीं कि आप होल करो, आप मतलब ऐसे भी रहने दे सकते हो। मैं बताऊंगी कि उसको आप और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप होल नहीं करते हो तो। फॉर एग्जांपल ना, सिंपली ये देखिए, आ जाइए फटाफट, और एक बार झट से, मुझे पता है आज सबको बहुत काम है बिकॉज नो कल गणेश चतुर्थी है और गणेश जी की भी तैयारी करनी है सबको। हाय सुधा जी, हैप्पी टू हैव यू हियर डियर। हम मिनिएचर्स की क्लास इसी टाइम पे करते थे हमेशा। ईच एंड एवरी क्लास ऑफ मिनिएचर इज डन ऑन दिस टाइमिंग ओनली आफ्टर 9 PM। ओके, सो सी, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो ताकि बाकी लोग भी जुड़ पाए। एंड बहुत थोड़ा सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगी, हार्डली 15 to 20 minutes, दैट्स इट। फटाफट फिनिश करेंगे हम। ओके, तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। हाय मीनल सी, हेलो सोनल जी, कैसी हैं आप? हेलो सविता जी। वन थिंग वॉट यू कैन डू इज सिंपली, ये गणेशा जो मेरे पहले के बने हुए हैं, इसको हम अभी कलर करेंगे, ठीक है। ये हमने उस दिन बनाए थे, इसको हम अभी कलर करेंगे, और ये लीफ भी हमने उस दिन बनाया था, इसको भी हम कलर करेंगे। एंड आई एम मेकिंग इट एज अ हैंगिंग, ठीक है। आप इसके ऊपर शुभ लाभ के भी हैंगिंग बना के लगा सकते हो। हेलो रूपा जी, हेलो शीला जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इक्कू जी। सी वॉट यू कैन डू, आप इसको इंसेंस स्टिक होल्डर भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। ये गणेशा ऐसे, हाँ जी सविता जी, पिछवाई, ये देखिए, ये है पिछवाई, मैंने फॉइल वर्क किया है इसके ऊपर भी, और बाकी सारा पेंटिंग है, ऑयल प्लस एक्रिलिक है ये। एंड हाय प्रीति जी, थैंक यू सो मच, कैसी हैं आप? तो आप इसको इंसेंस स्टिक होल्डर ही बना सकते हो। गणेशा को यहाँ पे क्ले लगा के स्टिक कीजिएगा, अदरवाइज ये हैवी होता है तो निकलने के चांसेस है सूखने के बाद, क्योंकि हम लगा रहे हैं तो अगर आपको ऐसे रखना है इसको तो नीचे हल्का सा मोल्डेड लीजिएगा और उसको उससे फिर स्टिक कीजिएगा ताकि वो पक्का स्टिक हो जाए, गिरे ना, टूटे ना कभी, ठीक है। एंड हियर यू कैन मेक अ लिटिल, छोटा सा सर्कल बना सकते हो और उसके ऊपर ऐसे गड्ढे कर सकते हो जिसमें आप अगरबत्ती लगा सको, या और भी कुछ बहुत सारे तरीके हैं, ये एक हुआ उनमें से, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट कलरिंग, ठीक है। कलरिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है। आई एम शॉर्ट ऑफ फेविक्रिल कलर्स, तो मैं ब्रिस्टो के कलर्स यूज कर रही हूँ यहाँ पे। सी एवरी टाइम इज मैंडेटरी कि आप इस पर इमल्शन या कुछ लगाओ जिससे आपका कलर अच्छे से आ जाए, तो आप लगाइएगा ज़रूर। फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए नहीं लगा रही हूँ, और कोई बहुत ऐसे फर्क भी नहीं पड़ता है वैसे तो, ठीक है। आई एम टेकिंग सैप ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ मैं लीफ के लिए, एंड डिरेक्टली आई एम टेकिंग फ्रॉम द ट्यूब, और सिर्फ सेंटर पार्ट में, डार्क कलर है तो हम सिर्फ ये वाले पार्ट में करेंगे। 2 to 3 कोट एक्रिलिक कलर के कंपलसरी होते हैं, अदरवाइज ना एक्रिलिक कलर उतना अच्छा पकड़ में नहीं आता है। एंड मेक श्योर टू कवर दिस पार्ट ऑल्सो, क्योंकि जब आप इसको ऐसे वॉल पे हैंग करेंगे तो ये पार्ट भी दिखाई देता है, ये जो ये ऐसे आप बैक साइड से ऐसे पकड़ के इसकी जो कॉर्नर्स हैं उनको भी कलर कर लीजिएगा,
सो दैट इसकी परछाई भी ना आए ऐसे, ठीक है? नहीं सुधा जी, ऋषि पंचमी इज लाइक नेक्स्ट डे होती है ना गणेश चतुर्थी के, तो मैं नेक्स्ट डे बांधूंगी लाइक सैटरडे को। हमारे यहाँ एक्चुअली राखी के दिन नहीं बांधते हैं, कुछ हो गया बोलते थे ऐसे, तो कुछ मानते हैं घर पे। सो वही पहले मैंने सोचा था कि मैं सैटरडे ही जाऊंगी, फिर सोचा कि नहीं सैटरडे शायद मैनेज ना हो पाए, तो अभी चली जाती हूँ करके। ये वेदर एक्चुअली इतना चल रहा है अभी, बारिश ठंडी गर्मी, तो सिंपली आई एम टेकिंग द सैप ग्रीन कलर एंड सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसमें पूरे ही जगह में ऐसे नीचे। अरे कुछ भी प्रीति जी, सब लोग यहाँ, सभी आर्टिस्ट है एवरीबडी, सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा नया सुंदर सुंदर करते ही रहते हैं। मैं सिर्फ फिलहाल सेंट्रल पार्ट में कर रही हूँ और कहीं नहीं कर रही हूँ। साइड से हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे, और जो हमने लाइंस बनाई है उसमें भी थोड़ा ब्रश चलाइएगा, नहीं तो वो वाइट वाइट ही दिखेंगी। विद द सेम ब्रश आई एम टेकिंग द लाइट ग्रीन कलर, क्योंकि हम शेड ही कर रहे हैं। लाइट ग्रीन, ये मिड ग्रीन है ब्रिस्टो के जो पैक में है, ये मिड ग्रीन कलर है ऐसा लिखा है इसके ऊपर। तीन ग्रीन होते हैं इसमें 24 कलर के बॉक्स में, एंड जस्ट फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही कर रहे हैं, जस्ट कोट इट। ये मान लो आपका प्राइमर हो गया, और बहुत ज़्यादा जाड़ा जाड़ा कलर नहीं लगाना है, अदरवाइज ना वो ऐसे निकल जाता है फिर, सो वो नहीं करना है। जस्ट कवर द कॉर्नर्स, दैट इज मैंडेटरी। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच। ठीक है ये देखो, ये ऐसे हो गया है अभी। जब हम सेकेंड और थर्ड कोट करेंगे ना, सेकेंड कोट में आ जाएगा फिनिशिंग। अभी हम इसको रखते हैं साइड में थोड़ा सा, एंड तब तक गणेशा को भी एक सिंगल कोट कर लेते हैं फटाफट। सिंगल कोट में ना एक्रिलिक कलर का मिक्सिंग भी नहीं होता है, और शेड तो डेफिनेटली नहीं आता है। सो आई एम टेकिंग हियर जस्ट अ सेकेंड ऑरेंज कलर, कैडमियम ऑरेंज ह्यू लिखा है इस पर, और ट्रस्ट मी मुझे सच में ब्रूस्टरो के, वेदर इट इज ऑयल कलर्स और इट इज एक्रिलिक कलर, मुझे बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसमें ना कुछ नहीं करना है आपको, सी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो ये देखो कंप्लीट, पहले तो ऑरेंज है और ऊपर से गोल्डन शाइन है, सो कलरिंग का बिल्कुल झंझट नहीं है। हार्डली 5-10 मिनट में आपका कलरिंग हो जाएगा, यू जस्ट कोट इट विथ ऑरेंज कलर फर्स्ट। बस जल्दी जल्दी आपको फटाफट कलर लगाना है पूरे इसमें, ऑरेंज लगाना है पहले। ऐसे इनर साइड भी एवरी एवरी स्पेस शुड बी कवर्ड विद द ऑरेंज। हाँ
हाय हेतल जी, कैसी हैं आप? डोंट टेक टू मच ऑफ कलर. हेलो सुदीपा जी, हेलो अलका जी. पहले मैंने सोचा था कलर करके ही रख लेती हूँ, फिर सोचा चलो कलर भी दिखाई देते हैं. हेलो वन्नू जी, हेलो प्रियंका. अबे थोड़ी देर बेटा, 5-10 मिनट. फर्स्ट कोट है ना, तो इनर साइड वगैरह पूरा अच्छे से कर लीजिए, फिर सेकंड कोट में आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा. पूरा ऑरेंज दिखना इम्पोर्टेंट है. सविता जी, मैं ब्रिस्टो के कलर्स यूज़ कर रही हूँ. मैं दिखाती हूँ बाद में, बॉक्स दिखाती हूँ आपको. 24 कलर का जो सेट आता है ना, आर्टिस्ट क्वालिटी का है ये. मैंने मंगाया तो किसी और पर्पज़ से था, बस बहुत पसंद आया. लेकिन मुझे हाथ खराब होंगे थोड़े से आपके. नहीं मीनल जी, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ 2 कोट कीजिए, 2 से 3 कोट कीजिए आप सिंगल कलर के, तो आपका भी कलर उतना ही अच्छा दिखेगा. कुछ लोग कभी कभी क्या होता है ना, आप 2 से 3 कोट करने बोल के हम बहुत थिक कोट लगा देते हैं, तो थिक कोट से भी फिनिशिंग नहीं दिखाई देती. कोट कलर कोट हमेशा थिन होने चाहिए, बहुत ऐसे गाढ़ा गाढ़ा कलर नहीं लगाना है. ठीक है, ये देखो, ये हो गया सिंगल कोट. इसको मैं ड्राई होने देती हूँ, तब तक हम अब लीफ का कर लेते हैं. लीफ में डबल कोट आ जाएगा अभी. मिनट रुको ना प्लीज. ठीक है, ये देखो थोड़ा टच ड्राई हो ही गया है, तो मैं इसी पे अब दोबारा से कलर कर लेती हूँ. देखो जैसे ही आप सेकेंड कोट करोगे ना, तो सारी स्पेसेस कवर होने लगेंगे आपके. सी, यू कैन सी द डिफरेंस. ये देखो, ये वाले पार्ट में मैंने सेकेंड कोट किया है और ये वाले पार्ट में नहीं किया है, तो देखो कैसे दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट अबाउट दैट. मैं तो परेशान हूँ ज्योति जी, मैं मोटा होने के इलाज ढूंढ रही हूँ. आपको कोई पता हो तो बताइएगा जरूर.
एंड नाउ आई हैव टेकन द लाइटर शेड और ये बाहर की तरफ से हम ऐसे अंदर की तरफ कर रहे हैं बस। इसका जो ब्रश है वो ऐसे आना चाहिए बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ऐसा। हाँ जी सुधा जी, ये जो बड़े वाले कृष्णा है, ये नटखट बाल कृष्णा, ये मार्बल क्ले के ही बने हुए हैं। मार्बल क्ले इज सच लाइक आई जस्ट लव दिस क्ले, बहुत अच्छी होती है ये क्ले, ट्रस्ट मी, एंड यू कैन मोल्ड इट द वे यू वॉन्ट। बस एक चीज़ है कि उससे आप ऐसे लीफ वगैरह जो है वो इतने पतली चीज़ें नहीं बना सकते, वो उतनी स्टर्डी नहीं होती है ऑन देयर ओन, उनको सपोर्ट चाहिए होता है अदरवाइज। ओह शिट, अदरवाइज वो बहुत बहुत अच्छी होती है। सारी क्ले का वैसे अपना अपना होता है कुछ ना कुछ। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच। बस हो गया, 5 मिनट और, थोड़ा सा शेड अच्छे से हो जाए। बालाजी, बालाजी के वीडियोस है सविता जी ऑलरेडी सेव्ड है, एक्चुअली वो क्लास ही है तो उसके वीडियो सेव्ड है, अगर आपने ज्वाइन करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ओहो, मुझे उठाने में परेशानी हो रही है इसको। और ये बाहर से अब थोड़ा सा हल्का हल्का डार्क ग्रीन कलर, एंड दैट्स इट, इट्स डन एक्चुअली। इसको हम ड्राई होने देंगे थोड़ा। सी, ये हो गया है, इसको हम ड्राई होने देंगे अभी थोड़ा, उसके बाद फिर इसमें और काम करेंगे। हो गई आप लोगों की गणपति बिठाने की तैयारी कल की? नाउ ये ऑरेंज कलर ले रही हूं मैं, और एक कोट दोबारा से कर देंगे इसके ऊपर। दूसरा कोट करते से ही ना चमकने लगते हैं एकदम। थैंक यू दीपाली जी। अब ना मैं इसी ब्रश से, आपके पास
मैं अपना जी ब्रिस्टो के कलर्स यूज़ कर रही हूँ, शायद बॉक्स तो नहीं मिलेगा, मैं ट्यूब दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ब्रिस्टो के कलर्स है और बहुत अच्छे होते हैं, सच में बहुत अच्छे होते हैं। और ये 24 कलर का बॉक्स है एक्चुअली, यू कैन सी इट हियर। ये देखिए ये 24 कलर का बॉक्स है, 12 ऑन ईच साइड, ठीक है। तो इसमें ना आपको गोल्डन और सिल्वर कलर भी मिलता है, आई शो यू। ये देखिए इसमें ना गोल्डन कलर भी है और ये बहुत अच्छा है। तो मैं सेम ब्रश से ही ले रही हूँ क्योंकि मुझे ऑरेंज के ऊपर ही करना है। अब आप गोल्डन ना बहुत थोड़ा सा लेंगे, ऐसे लिया और इसको ये देखो मैंने यहाँ पे रखा है ऐसे, और ये यहाँ से मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ गोल्डन, हाँ ऐसे। और ये जो कॉर्नर्स कॉर्नर्स है सिर्फ यहाँ से ऐसे करेंगे अंदर की तरफ, बस उतनी ही जगह से, और गीले गीले में इसलिए ताकि वो ऑरेंज और गोल्डन थोड़ा मिक्स हो जाएगा। देखो ऑलमोस्ट ड्राई ब्रश से जैसे हम लेते हैं ना वैसे, हाँ जी एक्रिलिक कलर्स ही है, बिल्कुल वैसे ही लेंगे हम। और कान और पैर और मोदक, इन चीजों को हाईलाइट कर देंगे। थैंक यू दीपाली जी, अगर काम पसंद आता है ना तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सी आई एम जस्ट टेकिंग अ वेरी लिटिल ऑफ दिस गोल्डन कलर एंड यू कैन सी द शाइनिंग डिफरेंस आपको दिखाई देगा। थोड़ी देर रुकिए आप, बस 2 मिनट, आपको डिफरेंस दिखाई देगा ऑरेंज शेड में और इसमें। मोदक भी पूरा गोल्डन से कर देंगे हम, अगर आपको ना दिखाई दे एक बार में तो आप दोबारा भी कलर कर सकते हो गोल्डन, थोड़ा और हाईलाइट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। देन लेग्स में भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, वैसे ही कॉर्नर कॉर्नर से ऐसे। ऑलमोस्ट ड्राई ब्रश समझिएगा आप इसको। थैंक यू रितु जी, ठीक है ये ऐसे हो गया। हेलो कल्पना जी, रितु जी ये पिछली वीडियो आप देखिएगा पेज पे, 2-3 दिन पहले की है। मोल्ड इट यूज़ किया है मैंने, बट यू कैन यूज़ पेपर मैशे ऑल्सो, पेपर मैशे हल्का होगा थोड़ा। मैं नागपुर से हूँ। कलर प्राइस क्या है? कलर्स ब्रिस्टो के थोड़े महंगे ही होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट बहुत अच्छे होते हैं। नाउ सी आई एम टेकिंग वाइट एंड जस्ट हाईलाइटिंग, कुछ खास बहुत काम नहीं करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो वाइट से बहुत काम नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक ये जनेऊ बनाएंगे और थोड़ा सा ऐसे तिलक एंड ऑल ऑल दिस थिंग्स, या फिर मैं ये बाद में कर लूँगी, हम आगे काम करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे गणेशा बने हुए, आपको बिल्कुल मैं पिक भी अपलोड कर दूंगी पेज पे ताकि आप देख पाओ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपने इसको हैंगिंग बनाना है तो हम यहाँ पे कुछ लगाएंगे, और वो लगाने के लिए मेरे पास एक्चुअली बहुत बहुत दिन से हम लोग मार्केट भी नहीं गए हैं, तो
आई एम शॉर्ट ऑफ सप्लाईज, तो मैंने नीचे लगाने के लिए ये टसल बनाया है। ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। ये धागा कुछ पता नहीं, मुझे लगता है कि 15-20 साल पुराना होगा पक्का। मेरी मदर इन लॉ का रखा हुआ है और मैंने उससे फिर ये टेसल्स क्रिएट किए हैं। देखिए, बट मुझे बहुत सुंदर लगा ये धागा, एकदम सतरंगी था, तो मैंने सोचा चलो इसी का कुछ बना लेती हूँ। हे वाव, यू आर ऑल्सो फ्रॉम नागपुर, कहाँ रहते हो आप? नाउ सी, ये एक होल में से ऐसे डालेंगे, कुछ भी ले सकते हो आप। आपके पास अगर नहीं कुछ है तो आप धागे से, क्रोचेट होता है, क्रोशिया, उससे भी चेन बना के अगर लगाओगे ना तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। एक्चुअली मुझे मेरा क्रोशिया नहीं मिल रहा था आज, मेरे पास थ्रेड तो था। आई यूज टू क्रोचेट, अच्छा लगता है मुझे क्रोचेट, बहुत पसंद भी है और बहुत सुंदर भी लगता है वो, बट आज मिल ही नहीं रहा था मुझे टाइम पे, सो इसी लेस से काम चला लेते हैं। नाउ सी, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और ये बहुत हल्का बनाया मैंने उसी दिन, बोला था हल्का मतलब थिकनेस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका थिकनेस हार्डली 1 mm, 1.5 mm है ये। तो फिर भी थोड़ा थिक था, ये थोड़ा हैवी है, बट दिस वन इज़ नॉट दैट मच हैवी। ओके, तो इसको ऐसे डाल दिया। डालने के बाद बस आप इसको टाई कीजिए ऐसे, जस्ट अ सेकेंड, मैं नीचे रख के टाई करती हूँ। जहाँ पे आपको टाई करना है ना, वहाँ पर आप कीजिए, जितनी आपको हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए उतनी। एंड एकदम टाइट 2-3 गठान डालिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये ऐसे तो ऊपर अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, ये तो ऐसे अच्छा नहीं दिखेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली इसको ऐसे मूव कीजिए, एंड ये देखो नॉट जो है आपका वो अब यहाँ पे आ गया पीछे की तरफ, और ये नॉट यहाँ पर आप इसको स्टिक कर दीजिए। थोड़ा सा मोल्डेड लीजिए या थोड़ी सी कोई भी एयर ड्राई के लिए, आई प्रीफर मोल्डेड क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाता है, और यहाँ पे इसको लगा दीजिए। अब फिर ये आपका देखो ऐसे प्रॉपर हैंगिंग हो जाएगा और आपका कुछ दिखेगा भी नहीं सामने की तरफ, ठीक है, नॉट कुछ भी नहीं दिखेगा। द सेम थिंग व्हाट यू हैव टू डू इन द, ये बहुत सालों का रखा हुआ है मेरे पास, ये भी बहुत काम आ रहा है। इसी से मैंने हैंगिंग नेम प्लेट भी बनाया था। ठीक है, इसको भी ऐसे डालिए, एंड इसको ना प्रॉपर इसको स्टिक करना होगा एक्चुअली। साइट तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हाँ भी अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मेरे वीडियोस मतलब क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट FB ग्रुप में होते हैं। नाउ सी, ये ना मुझे स्ट्रेट बिल्कुल ऐसा चाहिए, सेम ऐसा चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे इतना पूरा एरिया कवर कर सकते हो, यानी ये ट्रायंगुलर एरिया ऐसे कवर कर सकते हो इसी लेस से। आपको बार बार निकाल निकाल के इनसाइड डालना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और इसको भी स्टिक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक कॉर्नर में रहेगा नहीं क्योंकि कॉर्नर है तो वो साइड में जाएगा ही जाएगा। पहले हम, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं पहले इसको लगा लेती हूँ ठीक से, अभी कलर गीला ही है। तो वो निकल भी रहा है कहीं कहीं से, बट ओके, विल फिनिश इट लेटर। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे टाई कर दीजिए, देन इसको अगेन मूव कीजिए फिर से, क्योंकि हम नॉट तो नहीं दिखा सकते, ठीक है, लाइक दिस। बचा हुआ ये जो पार्ट है ये हम ऊपर टाई कर देंगे यहाँ पे, ताकि इसकी नॉट कभी ना खुले। ये वो है ना गोटा पट्टी वाला लेस है, तो पॉसिबली कि वो
निकल ना जाए, इसलिए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर क्ले लगा देंगे थोड़ा सा। सो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्ले लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी क्ले लगाएंगे एंड इट्स डन। अब फिर इसको सामने से देखेंगे आप तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है फिलहाल। इसमें हम जो टेसल है जो मैंने बना के रखा है बस इसको ऐसे हैंग कर देंगे। नाउ सी, ये ऐसे रहेगा और ये गणेशा जी हमारे ऐसे रहेंगे। नाउ इफ यू वॉन्ट, वॉट यू कैन डू इज आप यहां पर भी एक होल करके रख सकते हो, यहां से एक टेसल आएगा और यहां पर भी एक होल कर सक सकते हो यहां से, तो ऐसे तीन टेसल्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे क्यूट से प्यारे से हैंगिंग गणेशा। आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, ट्रस्ट मी उनको पसंद आएगा। एंड इट्स यूजेबल, आप कहीं भी छोटी सी जगह में टंगा दो, और नहीं कुछ करना तो सीधा सीधा पीछे मैग्नेट लगाओ और फ्रिज पे टंगा दो, फ्रिज पे लगा दो, फ्रिज मैग्नेट बना लो, कपबर्ड पे लगा लो, यू कैन डू एनी थिंग विथ इट। अब मैं अभी स्टिक भी करूँगी तो ये होगा नहीं। एंड येस, वन मोर थिंग, ये ड्राई है, ये कंप्लीट ड्राई है, तो आप अगर इसको सिर्फ फेविकॉल से चिपकाओगे तो आई डोंट थिंक कि वो उतना मजबूत रहेगा। एज आई सेड, आई ऑलवेज प्रीफर टू यूज लिटिल क्ले। जब भी आप दो ड्राई चीज़ों को चिपका रहे हो तो प्लीज यूज थोड़ा सा क्ले। आप अभी पीछे में पतला सा मोल्डेड का लेयर लगा के इसको चिपकाइएगा, ट्रस्ट मी कभी नहीं निकलेगा। आप निकालना चाहोगे ना तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हैंगिंग गणेशा जी, और या टेबल डेकोर, जैसे कि मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था कि आप उसको टेबल डेकोर भी बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, कीप क्राफ्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज ऑल्सो, ताकि हमें भी और मज़ा आए कुछ और नया नया बनाने में। ठीक है, फिर मिलेंगे नए क्राफ्ट के साथ, या पॉसिबली बाबू वो देना, वो पॉट देना, दैट सीमेंट पॉट, यस। पॉसिबली हमारा नेक्स्ट क्राफ्ट ये होगा, हम ये बनाएंगे। सीमेंट पॉट है ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ बलून है, बस मैं इसके ऊपर क्या करना है उस पर अभी स्टक हूँ। ये बहुत दिन से बना के रखा है मैंने, कब से सोचा कि बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन बाकी है। सो पॉसिबली विल मीट विथ दिस क्राफ्ट नाउ, तो फिर मिलेंगे। वाइट कर लो ना मैम, क्या वाइट कर लो, हैप्पी गणेश चतुर्थी। ठीक है, फिर मिलेंगे नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय।